नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैट टू करेक्ट में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ड्राइंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्ट्स को कॉपी करके दूसरे ड्राइंग में कैसे पेस्ट किया जाता है। बेसिकली हम विंडोज की जो कमांड है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज करते हैं, जिससे हम एक ड्राइंग को एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरे ड्राइंग में पेस्ट कर सकते हैं। आज हम उसी का एडवांस वर्जन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम छोटा सा एक इनपुट या ऐड करते हुए उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते और वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो ऐसे यूजफुल टिप्स और वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही सीखते रहें। जैसे कि मेरे पास एक ड्राइंग है, जैसे कि मैं यहाँ पे हम बेसिकली जैसे कि मैंने आपको जो हम नॉर्मल तरीका यूज करते हैं उस तरीके को यूज करते हुए मैं सोफा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कमांड दे देता हूँ कीबोर्ड पे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद हम अपनी ड्राइंग में जाएंगे। हम अपनी ड्राइंग में जाने के बाद यहाँ पे हम सेम बेसिकली यूज करते हुए कंट्रोल वी से हम चेयर सोफा को पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया एक तरीका। लेकिन दूसरा तो ऑप्शन ये है कि जैसे कि मुझे अभी ये दो टेबल्स भी कॉपी करनी थी, अब मैं इनको सोफा के साथ कॉपी नहीं किया और अब मैं इनको कॉपी करने जा रहा हूँ, तो अब मैं इनको कॉपी और पेस्ट करूँगा। लेकिन मुझे जो अलाइनमेंट है मुझे सेम अलाइनमेंट से चाहिए। अगर मैं इसको सेम तरीका फॉलो करते हुए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया, तो इसकी कोई पोजिशन नहीं है, मैं उसे अंदाज से ऐसे प्लेस करूँगा। बट अगर मुझे अंदाज से नहीं प्लेस करना है, मुझे एग्जैक्ट सेम तरीके से प्लेस करना है, तो किस तरीके से करते हैं उसके लिए हम पहले हम इसको अंडू कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जाना होगा ड्राइंग में। ड्राइंग में जाने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ जाएंगे सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम कॉपी करना है। आप उसको सिलेक्ट पहले भी कर सकते हैं या कमांड एक्टिवेट करने के बाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एडिट में। एडिट में आप देख सकते हैं कॉपी जो हम कंट्रोल सी यूज करते हैं, उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है कॉपी विद बेस पॉइंट। उसके आगे आपको इसकी कम शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट एंड सी। तो हम ये कॉपी विद बेस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। बेस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। जैसे कि हम बेस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है, बेस पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम सोफा का सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे। सोफा का सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपके सारे ऑब्जेक्ट्स और 21 ऑब्जेक्ट्स कॉपी हो चुके हैं। या अगर आप पहले सिलेक्ट नहीं करते तो आप बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद भी आपको रिक्वेस्ट आती है, आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब ये आपकी कॉपी हो चुकी है। सिलेक्ट करने के बाद आपकी ये सब चीज़ें कॉपी हो चुकी है। अब हम अपने ड्राइंग में जाएंगे। अपने ड्राइंग में जाने के बाद आप नॉर्मल तरीका यूज करते हुए जो हम रोजाना हर एक ड्राइंग में यूज करते हैं, हर एक कंप्यूटर में यूज करते हैं, हम कंट्रोल भी कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद आपको सेम बेस पॉइंट जो आपने वहां पर रेफरेंस पॉइंट लिया था, वही रेफरेंस पॉइंट पे आपको ये पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने सोफा का सेंटर लिया था, मैं सोफा के सेंटर में यहां पे क्लिक कर सोफा के सेंटर में क्लिक करने के बाद ये डिस्टेंस जो डिस्टेंस थी जो लोकेशन थी वो सेम टू सेम आपकी आ चुकी है। आप ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था मैंने सोफा के साथ दिया। आप बहुत सारी टेक्निकल ड्राइंग जैसे कि ये डोर्स होते हैं, डोर्स के लिए आप यहाँ पे उसको कॉपी कर सकते हैं, आप ये सेंटर पॉइंट ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, या आप ये वॉश बेसिन होते हैं, या जो भी आपकी टेक्निकल ड्राइंग आप किसी भी फील्ड में है उसमें आपको ये बहुत यूजफुल हो गया। आप कॉपी विद बेस पॉइंट का उपयोग करिए, ताकि आपको पेस्ट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट को अगेन मूव नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम इसको कॉपी विद बेस पॉइंट नहीं करते तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर इनको सबको मूव करते थे, जैसे कि हम यहाँ इनको सिलेक्ट करते थे और फिर हमको इनको ऐसा मूव करके हम इनको सेट करते थे, जो कि डबल टाइम कंज्यूम होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए ड्राइंग को प्रोसेस फास्ट करने के लिए आप इस तरीके का उपयोग करते रहिए। एक ऐप लेके आया हूँ जो ऐप इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में बिगनिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। ये डिजाइन ये आपको एंड्रॉयड में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ऐप का नाम है डिजाइन गाइड, जिसे आप ऐसा यूज कर सकते हैं। देखिए ये डिजाइन गाइड है, इसके अंदर आपको डिफरेंट जैसे कि हाउस के अंदर आपको रेजिडेंस के सोफा बेड डाइनिंग टेबल स्टडी टेबल और बाकी की साइजेस दी गई हैं। जैसे कि आप सिंगल सीटर सोफा की क्या साइज होती है वो आप mm में दे सकते हैं, इंचेस में दे सकते हैं। उसके अलावा आपको ऑफिस के अंदर जाना है तो ऑफिस जैसे कमर्शियल में आपको मीटिंग टेबल है, मीटिंग टेबल में आपको रेक्टेंगुलर टेबल की क्या साइजेस होती है 4 सीटर 5 सीटर उसको आप mm इंचेस में दे सकते हैं। तीसरा आपको अप्लायंसेज जो यूज होते हैं बैक जाके आप अप्लायंसेज की भी साइज दे सकते हैं, जैसे कि आपको LED TV की क्या साइज होती है,
आप इंचेस एमएम में दे सकते हैं, कौन से साइज की 65 mm की क्या साइज होती है वो आप देख सकते हैं। इसमें कन्वर्टर यूनिट भी है जो आपको बहुत यूजफुल होता है आपके प्रोसेस में, वर्किंग ड्राइंग में, आगे डिजाइनिंग में आपको बहुत यूजफुल होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, बहुत यूजफुल है। आपको ये हमारी टिप कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।